दोस्तों इस वीडियो में जानेंगे कठपुतली के ओटीटी कलेक्शन के बारे में और आपको बताएंगे कि ये फिल्म हिट हुई या फ्लॉप। तो दोस्तों इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। कठपुतली एक क्राइम थ्रिलर फिल्म है। ये फिल्म सन 2018 में आई तमिल फिल्म रत्शासन की हिंदी रिमेक है। इस फिल्म में अक्षय कुमार, रकुलप्रीत सिंह, जोशुआ ली क्लेयर, चंद्रचूर सिंह, सरगुन मेहता और सुजीत शंकर नजर आए हैं। इस फिल्म को रंजीत तिवारी ने डायरेक्ट किया है। इस फिल्म को 2 सितंबर सन 2022 में डिज्नी प्लस हॉटस्टार में डायरेक्ट रिलीज किया गया था, लेकिन पब्लिक इस फिल्म को देखने के लिए बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थी। दोस्तों आपको बता दूं कि इस फिल्म का टोटल बजट लगभग 80 करोड़ था और इस फिल्म को डिज्नी प्लस हॉटस्टार ने लगभग 140 करोड़ में खरीदा था। इस फिल्म से मेकर्स को तो प्रॉफिट हो गया था, अब डिज्नी प्लस हॉटस्टार को अपना प्रॉफिट निकालना था। कठपुतली फिल्म के अब तक तकरीबन 10 मिलियन यानी 1 करोड़ व्यूज आए हैं, जबकि अक्षय कुमार की ही फिल्म लक्ष्मी को एक दिन में ही 21 मिलियन से भी ज्यादा व्यूज मिले थे। यानी कठपुतली फिल्म से डिज्नी प्लस हॉटस्टार को कुछ प्रॉफिट नहीं हुआ, उल्टा नुकसान हुआ है। अगर कठपुतली थिएटर में डायरेक्ट रिलीज होती तो अक्षय कुमार की बाकी फिल्मों की तरह ये भी सुपर डुपर डिजास्टर हो जाती। दोस्तों आपको बता दूं कि अक्षय कुमार की इस साल बच्चन पांडे, सम्राट पृथ्वीराज और रक्षाबंधन तीनों ही फिल्में बॉक्स ऑफिस में डिजास्टर हुई है, जबकि कठपुतली को ओटीटी डिजास्टर माना जा सकता है। अक्षय ने सन 2019 में एक रिकॉर्ड बनाया था। इस साल उन्होंने 4 बैक टू बैक हिट फिल्में दी थी और 2022 में भी उन्होंने एक रिकॉर्ड बनाया है बैक टू बैक 4 डिजास्टर फिल्मों का। अक्षय कुमार की अगली और इस साल की उनकी पांचवी फिल्म राम सेतु 24 अक्टूबर को रिलीज होने वाली है। तो आपको क्या लगता है कि ये फिल्म हिट हो पाएगी या ये भी डिजास्टर हो जाएगी, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और फिल्मों की सभी जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि हमारी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।